सात दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान रस वर्षा और पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा शुरू हुई। विदिशा जिले के पठारी में स्थित करेली धाम में 1 से 8 अगस्त तक किया जा रहा है। भागवत कथा का वाचन प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक कथा प्रवक्ता पंडित स्वरूपानंद राम जी महाराज के जरिए किया जाएगा। 1 अगस्त से शुरू होने वाली भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा एवं शिवलिंग निर्माण के साथ किया गया। उक्त जानकारी अजय सिंह गढ़ी ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि 1 फरवरी से सुबह 7 से 12 बजे तक कथा स्थल पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं 2 से 5 बजे तक कथा शुरू होगी। आज सुबह 10:30 बजे कथा स्थल से कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जो शहर के करेली धाम से चल के मुख्य मार्ग मैन मार्केट, सारंगा मोहल्ला, राजमंदिर, बस स्टैंड, पौधदार मंदिर, बड़ी माता मंदिर, हरछठ माता मंदिर, संजय नगर से होती हुई वापस कथा स्थल पहुंचकर समाप्त हुई। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।